हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन करें बस ये काम, बजरंग बली होंगे प्रसन्न, हर संकटों से मिलेगी मुक्ति। ऊंची पहाड़ियों व चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे घने जंगल के बीच स्थित आंजन धाम में माता अंजनी के गोद में बाल हनुमान अपने बाल स्वरूप में विराजमान हैं। ऐसी प्रतिमा अनोखा अद्भुत व दुर्लभ है। गुमला के इस स्थान को आंजन धाम के नाम से जाना जाता है। गुमला के इस आंजन धाम को हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है। यह जिला मुख्यालय से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंगलवार के दिन विशेष रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा पाठ, हनुमान कवच, चमेली का तेल का दिया, मोतीचूर के लड्डू, रोट आदि का भोग लगाते हैं। ऐसा करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी मनवांछित फल प्रदान करते हैं, साथ ही संकटों से मुक्ति भी मिलती है। मान्यता के अनुसार बजरंग बली की विधि पूर्वक उपासना, व्रत, पूजा पाठ करने से सभी तरह के दुख भी और संकट से भी छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। जाने आंजन धाम के पुजारी से मंगलवार के दिन क्या क्या करने से बजरंग बली होते हैं प्रसन्न। ये हनुमान जी का जन्मस्थली आनंद धाम और माता अंजनी हनुमान जी को आप गोद में लिए देख रहे हैं। हनुमान जी का विशेष आराध्य करने का एक तरीका है, उस तरीके से अगर आप करते हैं तो निश्चित है कि आपका बेड़ा पार होगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मोतीचूर के लड्डू का भी भोग लगाया जाता है और संकट हरने के लिए बजरंग बाण का पाठ या हनुमान कवच का स्त्रोत आदमी को करना चाहिए। ऐसे करने से बजरंग बली जो है सो प्रसन्न होते हैं और उनका संकट को दूर करते हैं, और संकट दूर होने से ही आदमी खुशहाल रहते हैं और बजरंग बली को लोग याद भी करते हैं। तो बजरंग बली का अगर विशेष आराध्य करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन कम से कम आप फास्टिंग में रहें, उस दिन थोड़ा सा अनाप शनाप चीज़ों से दूर रहें, मन को शांत रखें और बजरंग बली की पूजा घी का बत्ती या तिल का एक दिया भी जला के आप कर सकते हैं, और नहीं तो घी का भी दिया जला सकते हैं, और नहीं तो चमेली का तेल विशेष होता है जो बजरंग बली को दिया भी जलाया जाता है और उसमें भगरा सिंदूर मिला के लेप भी लगाया जाता है, और लेप लगाने से आय की वृद्धि होती है। बजरंग बली प्रसन्न भी होते हैं और उनका जितना भी मैंने आय का स्रोत जो है दिनों दिन बढ़ता है और आने का रास्ता वो बनाते हैं। आप अगर कुछ करते हैं तो आपका एक एक पग में बजरंग बली साथ देंगे और साथ देते हैं, जिससे लोगों की आय बढ़ती है। और सब करने से ये नहीं कि बजरंग बली का ये कर लिया ध्यान कहीं और है तो ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन आप बजरंग बली का ध्यान अगर करना चाहते हैं मंगलवार के दिन विशेषकर नहा धो के पूजा पाठ के लिए चमेली का तेल, लेप और रोट, नहीं तो मोतीचूर का लड्डू, श्रीफल तो अर्पित लेते ही हैं बजरंग बली, और ऐसे करने से जो बजरंग बली को जो चढ़ता है वो श्री राम जी को मिलता है, और राम जी को जो सेवते हैं वो बजरंग बली तक आते हैं, और ऐसे से जो है ऐसे करने से बजरंग बली जब प्रसन्न हो तो श्री राम प्रसन्न होंगे तो बजरंग बली भी प्रसन्न होते हैं। श्री राम स्तुति का भी पाठ करना अति आवश्यक है। इसलिए आप कहीं भी देखिएगा, यहीं कहीं भी अगर कहीं आरती हो रहा है चाहे कुछ हो रहा है, मैंने भगवान बजरंग बली का पूजा, तो उस जगह राम स्तुति बहुत नेसेसरी लूप करते हैं। और हनुमान कवच तो अपने अगर उस कवच को अगर हर मंगलवार को करे और इसको अगर 1,21,000 अगर सिद्ध हो गया तो उस आदमी को बजरंग बली का इतना कृपा रहता है उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता।